जो आज की क्लास है वो है हमारी विल्सन थ्योरम। ठीक है, अब देखो जो विल्सन थ्योरम होती है इसमें एक चीज है कि हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। आपको ज्यादातर कोई भी थ्योरम पढ़ाएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर की बात करेगी, तो विल्सन थ्योरम भी प्राइम नंबर की थ्योरम है। ठीक है, दूसरी बात, जो प्राइम नंबर होगा उसका फैक्टोरियल में होना जरूरी है। अगर फैक्टोरियल में है तभी विल्सन थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज विल्सन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। बात समझ में आई? पहली चीज क्या बताई कि प्राइम नंबर होना चाहिए, और प्राइम नंबर का फैक्टोरियल में होना चाहिए तभी विल्सन थ्योरम अप्लाई होगी। प्राइम नंबर का मतलब वो अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है फैक्टोरियल पी माइनस वन, फैक्टोरियल के दो सिंबल होते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है, फैक्टोरियल पी माइनस वन प्लस वन को अगर पी से डिवाइड करें, फैक्टोरियल पी माइनस वन मतलब प्राइम नंबर में से एक घटा दो, उसके फैक्टोरियल में एक जोड़ के पी से भाग करो तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। ये क्या कहती है? विल्सन थ्योरम कहती है। ठीक है, इसी की सेकंड बात, सेकंड रिजल्ट है फैक्टोरियल पी माइनस वन अब की बार प्लस में बंद नहीं करा और पी से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा पी माइनस वन। क्लियर है? रिमाइंडर कितना आएगा? पी माइनस वन आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है विल्सन थ्योरम का, अगर हम लिख दें फैक्टोरियल पी माइनस टू डिवाइडेड बाय पी, तो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा आता है वन। रिमाइंडर कितना आता है? वन आता है। ठीक है, और एक पॉइंट और, फोर्थ पॉइंट वो ये है फैक्टोरियल पी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय पी, तो जो रिमाइंडर आएगा आर वो आएगा पी माइनस वन बाय टू। क्लियर है? पी माइनस वन बाय टू आता है। अब आप देख लो ऐसा कैसे हो रहा है। पहले वाले केस की बात करते हैं। सपोज करो लिखा है फैक्टोरियल फोर प्लस वन बाय फाइव, तो फाइव एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फाइव प्राइम नंबर है, फोर है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते भी, फाइव माइनस वन बाय फाइव प्लस वन, देखो इस फॉर्म में आ गया कुछ। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 हो गया 25 बटा 5, तो अगर 5 से इसे कट करा तो कितना आया? प्लस 1, सॉरी 5 से इसे कट करा तो कितना आया? 0, 5 से पूरा पूरा कट गया। तो अगर कभी प्राइम नंबर नीचे होगा उसमें से घटा के फैक्टोरियल में लिख दें तो वो क्वेश्चन विल्सन थ्योरम से लगेगा, मतलब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हमेशा विल्सन थ्योरम से लगेंगे, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो इन रिजल्ट्स को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, क्लियर है?
चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर वन लिखा है, फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाय 17, और हमने कहा है फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर बताओ कितना होगा जब फैक्टोरियल 15 को 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 15 देखो है क्या, फैक्टोरियल 17, यह है 17 माइनस 2, ऐसे लिख सकते 15 को डिवाइडेड बाय 17। तो अब ये रिजल्ट क्या बना, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा बना, पी माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी, तो रिमाइंडर कितना आता था, पी माइनस 1, यही तो आता था रिमाइंडर, 2 वाला है सॉरी। तो रिमाइंडर कितना आता था, 1 आता था, 2 वाले केस में रिमाइंडर 1 आता था, तो इस केस का भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझे कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं, बताओ, किसी को डाउट हो तो। फार्मूला एक बार फिर से दिखा दीजिए ब्रो। तो रफ कर दिया मैंने, चलो मैं लिख देता हूँ फिर से, नोट कर लो उसको, मैं एक बार फिर से सारे थ्योरम्स लिख रहा हूँ। पी माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय पी, पी प्राइम नंबर है पहली बात, ये रट लेना, और फैक्टोरियल में होना चाहिए, तो जो आर होगा 0 आएगा, पी माइनस 1 अपॉन पी, तो आर होगा पी माइनस 1 आएगा, पी माइनस 2 फैक्टोरियल पी, तो आर मेरा 1 आता है, और पी माइनस 3 फैक्टोरियल पी, तो जो आर होता है हमारा वो आता है पी माइनस 1 बाय 2। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से। कर लिया भैया। सबने कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में फैक्टोरियल 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, और कह रहे हैं फाइंड रिमाइंडर। तो देखो फैक्टोरियल 15 है ना, फैक्टोरियल 15, तो इसे हम लिख सकते हैं 17 माइनस 2 अपॉन 17 प्लस 25 बटा 17। क्लियर है यहाँ तक? अब 17 से 25 को डिवाइड करो, तो जब 17 से 25 को डिवाइड करोगे तो ये तो एक ही बार में जाएगा और रिमाइंडर दे देगा 8, हाँ कि ना? और इस वाले केस का जो रिमाइंडर है वो है हमारा 1, तो 1 प्लस 8 टोटल रिमाइंडर 9। समझ में आई बात भाई? ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो हमसे, नहीं है? चलो देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 40 डिवाइडेड बाय 43, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है हमें जब फैक्टोरियल 40 को 43 से भाग देंगे। तो आप देखो, हाँ फैक्टोरियल 40, ये लिखा है फैक्टोरियल 43 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 43। 43 एक प्राइम नंबर है ये हमें पता है, तो जब पी माइनस फैक्टोरियल पी माइनस 3 अपॉन पी होता है, तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो होता है पी माइनस 1 बाय 2।
मतलब 43 माइनस 1/2, तो 42/2 कट करा 1 के साथ। बात समझ गए, क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 568 डिवाइडेड बाय 569, फाइंड रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर बताना है 568, 569, ठीक है। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 569 माइनस 1 अपॉन 569। तो ये जो फॉर्म है वो है p माइनस 1 अपॉन p की। जब p माइनस 1 अपॉन p की फॉर्म होती है तो रिमाइंडर कितना आता है? p माइनस 1, यही तो आता है, क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर आएगा 569 माइनस 1, तो आ गया कितना, 568। ये मेरा रिमाइंडर आ गया। बात समझे कि नहीं? क्लियर हो गई ना? जी भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 28/29, फाइंड रिमाइंडर। तो देखो क्या है, 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 29, तो ये फॉर्म है p माइनस 1 अपॉन p के, तो रिमाइंडर आएगा p माइनस 1, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस 1, 29 माइनस 1 28, क्लियर? नहीं तो आप थोड़ा सा अगर समझदार हैं तो देखो इसमें से कम हो रहा है एक, अगर डायरेक्ट एक कम है तो 28 आंसर दे दो, देखते ही क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? समझ गए ना? कोई डाउट हो तो बताओ। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो विल्सन थ्योरम में, नहीं तो फिर चलें आगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फैक्टोरियल 79 डिवाइडेड बाय 83, फाइंड रिमाइंडर। आप लगाओ, आपके पास टाइम है ऐसा लगाने का, 2 से 3 मिनट का कोशिश करो।
हो गया। ठीक है देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है फैक्टोरियल 79 अपॉन 83, अगर 79 और 83 में गैप देखें तो 4 का है, जबकि 4 का गैप नहीं हो सकता, ये बात याद रखना आप। ठीक है, गैप हमारे पास कितना है, 1, 2 और 3, बस इतना ही तो है। तो देखो हमारे पास होना क्या चाहिए था, अगर हम क्वेश्चन को इजी बनाते तो सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन को करने का, जो अगर ये होता 82 फैक्टोरियल में होता, 82 प्लस 1 अपॉन 83, अगर ऐसा होता तो रिमाइंडर 0 आता। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का, है ना, ये फॉर्म। पर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये 83 पूरा पूरा इसे काट देगा। अब पूरा पूरा काट देगा, इसका मतलब हम कहेंगे जो फैक्टोरियल 82 प्लस 1 है, ये 83 का ही कोई मल्टीपल है। मान लिया वाई, वाई का मल्टीपल है, कि वाई से गुणा कर देंगे जब, तो वो 83 बन जाएगा। ठीक है, इसकी वाई से गुणा कर देंगे तो इतने के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब फैक्टोरियल 82 को 79 तक बनाओ, फैक्टोरियल 82 को 79 तक बनाओ। तो आप कुछ ऐसे बनाओगे कि 82 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 80, बस मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 79। ये चीज़ आपको सिखा चुके हैं, जहाँ पे जाओ फैक्टोरियल बंद कर दो, कोई इशू नहीं होता। बराबर 83 इंटू वाई, तो यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखो एक काम है, या तो इसे पूरा पूरा काट लो, मतलब या तो इसकी मल्टीप्लाई करा लो, या तो इससे रिमाइंडर निकाल लो। तो जब मैं 83 से 82 को डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा। इस 81 से करूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात, तो रिमाइंडर बचेगा -2, और यहाँ पे -3। टोटल रिमाइंडर बचा माइनस का 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बराबर 83 इंटू वाई। ये 6 कैसे आया, जब 83 से इसे डिवाइड करा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे की बात, ये देखो हम 6 में कितने से मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि हमें जो रिमाइंडर बनाना है ना, या तो -1 या +1, कल वाला याद करो कॉन्सेप्ट। +1 या -1 रिमाइंडर ही बना सकते, तभी क्वेश्चन आसान होगा। तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 83 के इक्वल आ जाए, तो होता है 14 छंग 84, मतलब हम 14 से मल्टीप्लाई करते। कितने से कर दें मेरे भाई, 14 से। तो इस पूरी होल इक्वेशन को 14 से कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 14 से करी तो यहां तो मल्टीपल चल ही रहा है, तो यहां मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया 84, माइनस को अंदर भेज दिया, फैक्टोरियल 79 -1 इजिकल टू 83 इंटू बाई। ठीक है, अब देखो जब इसे फिर 83 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा +1। क्लियर है? और यही हमें बनाना था। अब हो गया 79 -1, सॉरी 1 नहीं, 14 होगा, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताओ।
ये आप कहोगे इसका 14 कहाँ गया, ये 6 इसके संग था, ये 6 जो था वो इसके संग था, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये 84 के संग आ गया। ये वाला ब्रैकेट नहीं है, 84 इसके संग है, बराबर 14 83 इंटू बाई, यहाँ तक के लिए। इसे उठा के अगर इधर भेज दें तो मेरे पास हो गया फैक्टोरियल 79 बराबर 83 इंटू बाई प्लस 14। तो फैक्टोरियल 79 की वैल्यू कुछ इतनी होगी, 83 इंटू बाई प्लस 14, 83 इंटू बाई प्लस 14, ये किसकी वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 79 की होगी। अब क्वेश्चन में क्या था, फैक्टोरियल 79 को 83 से डिवाइड करो, तो हमें फैक्टोरियल 79 की वैल्यू पता चली कि ये कुछ इतनी है। तो इस वैल्यू को जब मैं 83 से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, 83 से 83y प्लस 14, 83 इसके नीचे, 83 इसके नीचे, ये तो पूरा पूरा कटेगा, जीरो रिमाइंडर, ये इससे छोटा है तो 14, मतलब इस पूरे का फैक्टोरियल 79 डिवाइडेड बाय 83 का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 14 आएगा, ये हमारा आंसर है। तो ऐसा कोई जिसके ना समझ आया हो तो हमसे पूछ। पूरा लिख के बताएं कि ऐसे समझा दें, लिख के समझा, चलो हम समझा दें। देख क्वेश्चन है फैक्टोरियल 79 डिवाइडेड बाय 83, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। ये तो कोई फॉर्मेशन होती नहीं, तो हमें पता है एक फॉर्मेशन जो सबसे आसान है वो है 82, मतलब 83 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 83, तो रिमाइंडर 0 हो जाता, और रिमाइंडर 0 का मतलब ये इससे पूरी पूरी कटेगी, अब पूरी पूरी कटेगा का मतलब ये जो फैक्टोरियल 82 प्लस 1 अपॉन 83 है, सॉरी पूरी पूरी कटेगा का मतलब फैक्टोरियल 82 प्लस 1 83 का ही कोई मल्टीपल होगा, हमने मान लिया वाई मल्टीपल है, ठीक है। अब फैक्टोरियल 82 को 70 तक, 79 तक लेके जाओ, 81 80 मल्टीप्लाई विद 79 प्लस 1 बराबर 83 इंटू वाई, ठीक है। अब एक तरीका क्या है, कि मैं इसे 83 से डिवाइड करूं, या तो पूरी मल्टीप्लाई कराऊं, या इतना हिस्सा जो निकला है इसे 83 से डिवाइड कर दूं, तो इससे एक रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर पता चल गया -1 -2 -3, यहां तक क्लियर हुआ होगा आई होप। तो टोटल रिमाइंडर आया वो कितना आया, माइनस का 6 फैक्टोरियल 79 प्लस 1 बराबर 83 इंटू बाय, यहां तक तो क्लियर होगा, सही है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमने कल एक बात सीखी थी, रिमाइंडर जो होना चाहिए या तो प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, या दूसरी बात तुम ऐसे समझ सकते हो कि हमें खाली चाहिए, दूसरी बात तुम ऐसे समझ सकते हो हमें खाली 79 चाहिए, उसके आगे 6 नहीं चाहिए। तो इसे खत्म करने के लिए हम किससे गुणा कर लेंगे, माइनस 14 से, पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 14 से गुणा कर ले। यहां तो मल्टीपल चल ही रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, अब 14 कैसे पता चला,
83 से डिवाइड करना है तो हमें 14 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये 84 बनेगा, मतलब प्लस 1 बनेगा या माइनस 1 बनेगा। तो हमने प्लस 1 बनाने की कोशिश करी, माइनस 14 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया मेरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 84, 79 माइनस का 14 बराबर 83 इंटू बाय, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मल्टीपल ही चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, सही है ना? अब मेरी बात समझो। हाँ, क्योंकि वो उसका मल्टीपल ही ले रहा है, ठीक है? अब देखो, अगर इसे हम भाग करेंगे 83 से तो प्लस 1 रिमाइंडर देगा, ठीक है? तो ये तो 79 हो गया, माइनस 14 बराबर 83 इंटू बाय, तो रूट सॉरी फैक्टोरियल 79 की वैल्यू 83 इंटू बाय प्लस 14 हो जाएगी। तो अगर फैक्टोरियल 79 की वैल्यू पता चल गई तो इसे 83 से ही तो डिवाइड करना, डिवाइड कर दिया, ये हो गया 83 इंटू बाय अपॉन 83 प्लस 14 अपॉन 83। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये तो पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0, ये इससे छोटा है तो 14 ही मेरा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। बात समझ गए? अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर हो गया? चलो, तो ये आपका बिल्सन क्वेश्चन, बिल्सन थ्योरम का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन था। हाँ बताओ भाई। कहाँ पे 83 कैसे बना दिया? हाँ हाँ ये वाले की बात कर रहा। हाँ तो 84 कैसे बनाया? हाँ, इसके आगे हमने ये करा, जब 84 को 83 से भाग करोगे तो प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि हम गुणा ही उतने से कर रहे हैं, गुणा ही उतने से कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा। तो प्लस 1 जब रिमाइंडर बचेगा तो हम क्या करेंगे, इतने का तो रह गया अब, क्योंकि प्लस 1 से जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस अब इतना ही रह गया। अब 14 को उठा के इधर भेज देंगे तो फैक्टोरियल 79 की वैल्यू पता चले गई, 83 इंटू बाई प्लस 14, यही कुछ फैक्टोरियल 79 की वैल्यू होगी। और अगर फैक्टोरियल 79 की वैल्यू होगी तो बस इसे 83 से डिवाइड करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो 83 से इसे डिवाइड करा तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, क्योंकि 83 से 83 पूरा पूरा कटेगा। अब 14 को जब डिवाइड करेंगे तो ये इससे छोटा है तो डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। अभी क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर से रफ कर रहा। चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे, ठीक है? देखो अगली थ्योरम क्या है, अगली थ्योरम है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ऐसे तुम फर्मेट्स थ्योरम भी बोल सकते हो। ये थ्योरम है क्या, पहले तो ये समझ लो। ये थ्योरम ये कहती है, अगर ए की पावर पी माइनस वन हो, ए की पावर पी माइनस वन हो और इसे पी से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। बस कंडीशन इसकी ये है, ए और पी को प्राइम होने चाहिए, पहली चीज़। ए और पी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। दूसरी चीज़, पी प्राइम होना चाहिए, ये दोनों ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब पी प्राइम हो और ये दोनों को प्राइम। तो जाहिर सी बात है, जब पी प्राइम होगा तो वो उसके संग को प्राइम होगा,
हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने एक थ्योरम लिख दी है, व्हेन ए की पावर पी माइनस वन इज डिवाइडेड बाय पी ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर वन वेयर ए एंड पी आर को प्राइम एंड पी इज प्राइम। ये हमारी है फर्मेट लिटिल थ्योरम। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, इस पे बेस आपके यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, तो आगे भी आने के चांसेस हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अगर ए की पावर पी माइनस वन को पी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वन होगा, पी प्राइम नंबर है, तो फर्मेट लिटिल थ्योरम हमेशा प्राइम नंबर के लिए होगी। क्लियर हो गई बात? और ए पी को प्राइम होने चाहिए, ठीक है? तो रफ करें, आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन। सपोज करिए हमने आपको दिया क्वेश्चन, चार की पावर चार डिवाइडेड बाय फाइव फाइंड रिमाइंडर। तो देखो फर्मेट थ्योरम से लगाओगे क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है। तुम कहोगे हम पहचानेंगे कैसे, तो उसमें फैक्टोरियल का केस था, इसमें फैक्टोरियल नहीं है। तो अब तुम देखो नीचे प्राइम है, चार पांच को प्राइम है, ठीक है? तो अगर हम एक बात कहें कि ये लिखा है पांच की पावर माइनस की पावर सॉरी चार की पावर पांच माइनस वन डिवाइडेड बाय पांच, तो ये बन गया किसकी तरह, ए की पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाय पी, तो रिमाइंडर कितना आता है वन, तो रिमाइंडर कितना आएगा वन। बात समझे कि नहीं? वैसे तो सीधा सीधा भी क्वेश्चन था, सीधा सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा था इसकी वजह से इसको ऐसे कराया, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 की पावर वन 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 डिवाइडेड बाई 11 फाइंड रिमाइंडर, ठीक है? तो देखो इसे लिख सकते हैं 9 की पावर 110 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है यहाँ तक? अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 की पावर 11 या 9 की पावर 10 की पावर 11, ठीक है, प्लस 9 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 11। अब तुम्हें यहाँ पे मिल गया ये a माइनस पी है, जब तुम इसे 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बन देगा और इसको चेक करोगे तो हमने, अच्छा हाँ मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई। अब देखो ये हो जाएगा 9 की पावर 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 9 9 बटे 11, तो ये तो रिमाइंडर 9 ही दे देगा प्लस का, इसका रिमाइंडर आएगा प्लस का 9 और ये हमें रिमाइंडर देगा 1, हाँ कि ना? तो जो टोटल रिमाइंडर आएगा 1 इंटू 9 9। समझ गए? 11 अंदर होना, अंदर क्या होगा भाई, अंदर होगा पी माइनस वन, ए की पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाय पी, ये फॉर्मेशन होती है, समझे ना भाई? समझ में आया सबके? हाँ भाई 10 को तो 10 ही तो अंदर लिया यार,
तुम 11 को 11 माइनस एक कैसे लिख लोगे? हम अंदर वाले के हिसाब से करेंगे कुछ सा। रुको रुको, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो जल्दी से। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं 9 की पावर 10 अपॉन 11 और 9 की पावर 11 अपॉन 10, सॉरी 11। अब तुम हमें बताओ किसमें तुम वो फॉर्म बना लोगे पी माइनस वन वाले अपॉन पी, तो बस तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग तो बनी नहीं पाएगी फॉर्म, अभी समझे कि नहीं? भैया बात ये थोड़ी ना, हम ये कह रहे हैं कि जैसे 9 की पावर 10 को, सॉरी 9 की पावर 11 को हम लोग a मानते हैं, 9 की पावर 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 11। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? इसको ये लिखा है भैया 9 की पावर 11 की पावर 10। तुम वैसे भी कर लो, कोई कोई बात नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे 11 को। हम तो ऐसे सॉल्व करेंगे 9 की पावर 10 की पावर 11 को जब सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 का पावर 11 1 ही रहेगा। हम तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। तुम समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? है ना, बात तो सेम है, तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन। 3 की पावर 124 डिवाइडेड बाय 11 और कह रहा है फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर बताओ 3 की पावर 124 डिवाइडेड बाय 11, तो तुम्हें क्या चाहिए? 10 चाहिए। यहाँ पे 10 तब होगा जब यहाँ 0 होगा, 10 तो तभी होगा। देखो 10 किस में बनेगा, 120 में, 130 में, तभी तो 10 बनेगा। तो यहाँ 0 चाहिए। सबसे पहले तो काम करो 120 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 11, पहला काम। दूसरा काम 10 बनाना है, तो 10 की पावर 12 अपॉन 11। अब तुम वाला लगाओ, अब तो नहीं लगा पाओगे ना, अब तो दिक्कत हो जाएगा। 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 11, तो अब ये तो रिमाइंडर 1 दे देगा, तुम्हें पता है। यहाँ से तुम कहोगे 3 3 9 नेमा 81, तो ये हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे 81/11, तो 11 7 77 या 11 8 कर लोगे जब तुम, तो माइनस का 7 आएगा, तो प्लस का निकाल दो, 7 इसमें से घटा दो 5, तो रिमाइंडर आ गया प्लस का 5, 7 4 11, हाँ प्लस का आ गया 4, 7 4 11, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। बात समझे कि नहीं भाई? पीयूष क्लियर हो गया भाई? बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आज बहुत कम लोग हैं क्लास में, और सबसे ज्यादा आज इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 85 डिवाइडेड बाय 83, ठीक है, और हम कह रहे हैं फाइंड रिमाइंडर। तो देखो अब तुम बहुत इजीली बता दोगे, 80 बना लो यहाँ पे, मतलब 2 की पावर 10 की पावर, सॉरी 83 है ना, हमें कितना चाहिए 82, तो हम 82 बना लेंगे, ठीक है। नीचे 83 आया, मल्टीप्लाई 2 की पावर, कितना बचा 3, क्योंकि 85 था और यहाँ 82 चाहिए, पी माइनस 1, ये हो गया 83। अब तुम देखो मेरे भाई, ये तो रिमाइंडर 1 देगा, तो इस पर रिमाइंडर डिपेंड करेगा। सॉल्व करा 8/83, तो रिमाइंडर कितना आया, ये इससे छोटा है, अगर छोटा है तो रिमाइंडर 8 ही होगा।
बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 59 डिवाइडेड बाय 7, 37, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर। आपसे कह रहा है रिमाइंडर बताओ, तो तुम देखो 7 का मतलब 6 बना लो, तो हम कहेंगे 59 की पावर 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7, 59/7। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब मेरी बात समझो कि ये तो 1 तो 59 पे डिपेंड करेगा, तो तुम अगर 7 से निकालोगे तो 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 56 मतलब +3, तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास 3। क्वेश्चन तुम्हारा एक लाइन में लग जाएगा, शर्त ये है कि तुम्हें थ्योरम्स अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ वो बन टोसेंट ही रहा, तभी जो हो रहा है वो, हम जब कल टोसेंट पढ़ा देंगे तो उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन चाहो तो उससे कर लो टोसेंट से, पर उससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। देखो 23/11 की पावर 10, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो तुम क्या करोगे, यह तो डायरेक्ट हो गया भाई, डायरेक्ट हो गया ना, तो हम कहेंगे रिमाइंडर 1, ठीक है। हमने दे दिया आपको क्वेश्चन अगला, 57/11 / 11, फाइंड रिमाइंडर, और पावर है आपके 331। अब हमें रिमाइंडर बताना, यूज माइक ऑफ कर लो। तो देखो 331 है ना, तो ये बन जाएगा 57/10 = 33 डिवाइडेड बाई 11 × 57/11, ये 1, 57/11 को डिवाइड करोगे 11 × 55 + 2, तो रिमाइंडर आया 2 मेरा, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने आपको दिया,57/11 / 43/112। अब हमें बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा, फाइंड रिमाइंडर। तो देखो या देखना पड़ेगा, तो देखो 57/222, इसका मतलब कि देखो 220 वाली तो कट जाएगी, 220 वाली कट जाएगी, मतलब 57/2 + 43/2 / 11, अगर ये कट गया, समझना मेरी बात, तो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। अब तुम्हारी अप्रोच क्या होगी ये तुम पे डिपेंड करेगा। एक तो अप्रोच ये है कि इसका स्क्वायर कर लो,
पहला अप्रोच, या प्लस दो करके निकाल लो। ठीक है, मेरे दिमाग में एक चीज और आ सकती, वैसे तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसका रिमाइंडर निकालो तो कितना है प्लस दो, इसका रिमाइंडर निकालो माइनस वन, तो प्लस दो का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, तो हो गया 5, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, ये तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को करना चाहोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी भैया ऐसे ही किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल।